नमस्कार दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल डी आर एक्स फार्मा में आपका स्वागत है आज हम डी फार्मा फर्स्ट ईयर सब्जेक्ट फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का न्यू पैटर्न सैम्पल क्वेश्चन पेपर देखेंगे जो कि 2022 में आपका पूछा जाएगा ये सैम्पल क्वेश्चन पेपर सेकेंड है या आपने सैम्पल क्वेश्चन पेपर फर्स्ट फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल के प्ले लिस्ट पर जाके देख सकते हैं टाइमिंग इसकी थ्री आवर्स रहेगी और आपका टोटल मार्क्स एट्टी का होगा और आपका जो पेपर होगा वो आपके थ्री सेक्शंस में होगा सेक्शन ए सेक्शन बी एंड सेक्शन सी सेक्शन ए में आपके लॉन्ग क्वेश्चन रहेंगे जिसमें आपके वन क्वेश्चन आपके फाइव मार्क्स के होंगे सेक्शन बी में आपके शॉर्ट क्वेश्चन रहेंगे जिसमें आपके वन क्वेश्चन आपका थ्री मार्क्स का होगा और आपको यहाँ पर टेन क्वेश्चन आपको अटैम करने होंगे सेक्शन सी में आपको सारे क्वेश्चन अटैम्पट करने होंगे जिसमें आपके एम सी क्यू फिल अप और वन वर्ड क्वेश्चन होंगे जो कि वन वन मार्क्स के होंगे सेक्शन ए अटैम रेडी सिक्स क्वेश्चन आपको सिक्स क्वेश्चन यहाँ पे अटम्प्ट करने हैं और आपको सेवन क्वेश्चन दिए रहेंगे क्वेश्चन नंबर वन क्लासीफाई एंटीबायोटिक्स ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल स्ट्रक्चर मीन्स एंटीबायोटिक का क्लासिफिकेशन लिखना है केमिकल स्ट्रक्चर के बेसिस पे क्वेश्चन नंबर सेकेंड ग्यू केमिकल नेम फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी स्टेबिलिटी स्टोरेज यूजेस एंड ब्रांड नेम ऑफ स्पैरिन मीन्स एस्पेरिन का आप फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी केमिकल नेम स्टेबिलिटी स्टोरेज यूजेस एंड ब्रांड नेम आपको लिखना होगा क्वेश्चन नंबर थ्री डिफाइन डायोटिक्स एंड क्लासीफाई देम ऑन केमिकल बेसिस मीन्स डायोटिक्स क्या होता है इसको डिफाइन करना है साथ में उसका क्लासीफिकेशन लिखना है डायोटिक्स का वो भी केमिकल के बेसिस पर क्वेश्चन नंबर फोर डिफाइन इक्विवेलेंट वेट व्हाट डू यू अंडरस्टैंड अबाउट इट इन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन मीन्स इक्विवेलेंट वेट क्या होता है उसको आपको डिफाइन करना है साथ में न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से आप क्या समझते हैं उसको भी आपको यहाँ पर लिखना है क्वेश्चन नंबर फाइव डिफाइन एंड क्लासीफाई जनरल एनेस्थेटिक मीन्स जनरल एनेस्थेटिक को आपको डिफाइन करना है और क्लासीफाई करना है मीन्स क्लासीफिकेशन लिखना है क्वेश्चन नंबर सिक्स व्हाट इज वेल्यूमेट्रिक एनालिसिस डिस्कस इट्स क्लासिफिकेशन इन ब्रीफ मिस वैल्यूमेट्रिक एनालिसिस क्या होता है इसके बारे में आपको बताना है साथ में उसका क्लासिफिकेशन भी आपको लिखना है क्वेश्चन नंबर सेवन राइट स्ट्रक्चर ऑफ थायोपेंटल सोडियम एनेस्थेटिक एंड गिव इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज स्टेबिलिटी स्टोरेज एंड यूजेस मिस थायोपेंटल सोडियम का आपको स्ट्रक्चर लिखना बनाना है और फिजिकल प्रॉपर्टीज लिखनी है स्टेबिलिटी लिखनी है स्टोरेज लिखनी है और उसके यूजेस लिखने तो आप इस क्वेश्चन में कोई भी आप सिक्स क्वेश्चन अटैप्ट कर सकते हैं सेक्शन बी अटैम्प एनी टेन क्वेश्चन आपको टेन क्वेश्चन अटैम्प करने हैं क्वेश्चन नंबर वन राइट यूजेस ऑफ द फॉलोइंग ड्रग एनी टू मीन्स आपको यहाँ पे थ्री ड्रग्स दे रखी हैं डाइक्लोफेनेक एस्क्लोफेनेक और आईबू तो आप इन तीनों में से कोई दो ड्रग के आप यूजेस लिखना है तो आप यहाँ लिख सकते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड राइट शॉर्ट नोट ऑन सोडियम बाई सोडियम बायो का आपको शॉर्ट नोट लिखना है शॉर्ट नोट का मतलब आप उसके यूजेस केमिकल नेम फिजिकल प्रॉपर्टीज ये सब आप उसमें शॉर्ट नोट पे लिखना है क्वेश्चन नंबर थ्री क्लासीफाई एंटा एसिड डिफाइन एलमोनियम हाइड्रोक्साइड जेल मीन्स एंटा एसिड क्या होता है इसके बारे में आपको क्लासीफिकेशन लिखना है और अल्मोनियम हाइड्रोक्साइड जेल को आपको डिफाइन करना है क्वेश्चन नंबर फोर डिस्कस द सोर्स ऑफ इम्प्योरिटीज़ इन फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस मीन्स आपको फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस की इम्प्योरिटीज जो है उनका सोर्स आपको लिखना है क्वेश्चन नंबर फाइव डिस्क्राइब ब्रीफली लिमिट टेस्ट फॉर सल्फेट आपको सल्फेट का लिमिट टेस्ट यहाँ पे आपको लिखना है क्वेश्चन नंबर सिक्स राइट फिजिकल प्रॉपर्टी स्टोरेज यूजेस एंड फार्मास्यूटिकल फार्मूलेशन ऑफ नाइट्राजीपाम मीन्स आपको नाइट्रोजीपाम का फिजिकल प्रॉपर्टीज स्टोरेज यूजेस एंड फार्मास्यूटिकल फार्मूलेशन आपको लिखना है क्वेश्चन नंबर सेवन डिफाइन द प्रॉपर्टीज ऑफ मेथरडोपा मेंशन दियर यूजेस डोजेस फॉर्म एंड ब्रांड नेम मिस मेथरडोपा को आप प्रॉपर्टीज लिखनी है और साथ में इसके यूजेस डोजेस फॉर्म और ब्रांड नेम भी आपको लिखने हैं क्वेश्चन नंबर एट डिस्क्राइब यूजेस एंड फार्मास्यूटिकल फार्मोलेसन ऑफ इंसुलिन मीन्स इंसुलिन का आप यूजेस लिखना है और वहाँ पे फार्मास्यूटिकल फार्मोलेसन इंसुलिन के लिखने हैं क्वेश्चन नंबर नाइन राइट शॉर्ट नोट ऑन कॉट्रीमोक्साजोल कॉटरीमोक्साजोल के बारे में आपको यहाँ पे शॉर्ट नोट लिखना है क्वेश्चन नंबर टेन राइट केमिकल नेम स्टेबिलिटी स्टोरेज यूजेस डोजिस फॉर्म ऑफ इफेड्रीन मीन्स एफेड्रीन का आप केमिकल नेम स्टेबिलिटी स्टोरेज यूजेस और डोजस फॉर्म आपको लिखने हैं क्वेश्चन नंबर अलेवन राइट शॉर्ट नोट ऑन पेनीसिल पेनीलिन के बारे में आपको यहाँ पे शॉर्ट नोट लिखने हैं सेक्शन सी एम सी क्यू क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर वन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंडामेंटल क्वान्टिट्टी ऑप्शन नंबर ए लेंथ ऑप्शन नंबर बी एंगल ऑप्शन नंबर सी टाइम ऑप्शन नंबर डी ल्यूमिनियस इंटेंसिटी मीन्स इन चारों में से कौन सा फंडामेंटल क्वान्टिटी नहीं है तो इसका राइट right आंसर है ऑप्शन नंबर बी एंगल जो एंगल है वो आपकी फंडामेंटल क्वान्टिटी नहीं है क्वेश्चन नंबर सेकेंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉस्ड बाई केयरलेस हैंडलिंग ऑप्शन नंबर ए सिस्टमैटिक्रॉस इरर ऑप्शन नंबर बी ग्रॉस ऑप्शन नंबर सी रैंडम इरर ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ द एबो तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी ग्रॉस इरर इन इनमें चारों में से कौन सी आपकी केयरलेस हैंडलिंग कॉज करते है? तो ग्रॉस ईरर जो होती है वो आपकी केयरलेस हैंडलिंग होती है क्वेश्चन नंबर थ्री वोलटालाइजेशन मैथड इज ऑप्शन नंबर ए प्रेसिपिटेशन ऑफ सॉल्यूशन ऑप्शन नंबर बी वेपोराजेशन ऑफ सॉल्यूशन ऑप्शन नंबर सी बॉथ ए एंड बी ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ द एबो तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए प्रेसिपिटेशन ऑफ सॉल्यूशन को ही हम वॉलटालाइजेशन मेथड कहते हैं क्वेश्चन नंबर फोर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फाइव मेंबर रिंग ऑप्शन नंबर ए वायरेडीन ऑप्शन नंबर बी फ्यूर ऑप्शन नंबर सी पायरोल ऑप्शन नंबर डी थायोफीन तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए पैरिडीन मीन्स इन चारों में से कौन सा फाइव मेंबर रिंग नहीं है तो आपकी पैरिडीन जो है वो आपकी फाइव मेंबर रिंग नहीं है क्वेश्चन नंबर फाइव विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑस्मोटिक डायोटिक्स ऑप्शन नंबर ए ग्लिसरॉल ऑप्शन नंबर बी मैनिटॉल ऑप्शन नंबर सी आइसोसॉरबाइड ऑप्शन नंबर डी आल ऑफ द एबो तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी आल ऑफ द एबो मीन्स आपका ऑस्मोटिक डायोटिक्स जो है वो आपके तीनों हैं ग्लिसरॉल, मेनिटॉल आइसोसोरबाइट या आपकी ऑस्मोटिक डायरेटिक्स हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स डैपसोन आल्सो नोन एज ऑप्शन नंबर ए क्लोरोक्विन ऑप्शन नंबर बी बिक्लोमेथासोन ऑप्शन नंबर सी ट्रिप्ट्रोलिन ऑप्शन नंबर डी डाई एम डाई फेनेल सल्फोन तो डैपसोन आपका ऑप्शन नंबर डी डाई एम डाई डाईफेल सल्फोन कहलाता है क्वेश्चन नंबर सेवन व्हाट इज द साइड इफेक्ट ऑफ मेट फॉर्मिंग ऑप्शन नंबर ए नोजिया ऑप्शन नंबर बी ओमेटिंग ऑप्शन नंबर सी स्टमक अपसेट ऑप्शन नंबर डी आल ऑफ द एबो मीन्स आपको मेट फार्मिंग का साइड इफेक्ट बताना है इनमें से तो ये आपके तीनों आपके साइड इफेक्ट है मेट तो इसका राइट आंसर है आल ऑफ द एबो क्वेश्चन नंबर एट द ड्रग क्लोरोक्विन इज मैनली यूज फॉर ऑप्शन नंबर ए ट्रीटमेंट ऑफ वायरल सिम्टम्स ऑप्शन नंबर बी ट्रीटमेंट्स ऑफ एड्स ऑप्शन नंबर सी ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द एबो मीन जो आपकी क्लोरोक्विन ड्रग है वो मेनली किस में यूज की जाती है तो ज़्यादातर आपकी जो क्लोरोक्विन है ऑप्शन नंबर सी ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया मलेरिया के ट्रीटमेंट में आपको क्लोरोक्विन ड्रग यूज़ की जाती है क्वेश्चन नंबर नाइन एसिड एक्ट्स पाई ऑप्शन नंबर ए डिक्रीजिंग द गेस्ट्रिक एथसील कंटेन ऑप्शन नंबर बी न्यूट्रलाइजेशन द गैस्ट्रिक एच सी एल ऑप्शन नंबर सी थ्रो एच अपन के ए टी पे पम्प ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द एबो तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी न्यूट्रलाइज द गैस्ट्रिक एच सी एल मीन्स जो गैस्ट्रिक एच सी एल हमारे हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है उसको न्यूट्रलाइज करती है एंटा एसिड क्वेश्चन नंबर टेन एमोनियम क्लोराइड इज यूज एस ऑप्शन नंबर ए एक्सपोरेंट ऑप्शन नंबर बी डायटिक्स ऑप्शन नंबर सी सिस्टमेटिक एसिडी फर ऑप्शन नंबर डी आल ऑफ द एबो तो इसका राइट right आंसर है ऑप्शन नंबर डी आल ऑफ द एबो मीन्स एमोनीय क्लोराइड जो है किसमें यूज की जाती है तो आपकी ये एक्सपेक्टोरेंट डायरोटिक्स और सिस्टमिक एसिडी फर तीनों में यूज की जाती है तो इसका राइट आंसर है आल ऑफ द एबो फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन नंबर वन डैश मेथड इज बेस्ड ऑन द वेट ऑफ द पी पी टी मीन्स आपका कौन सा मेथड है जो जिसमें किसके बेस्ड पे बेस्ड है वेट ऑफ पी पी टी तो इसका आंसर होगा ग्राइवेट्री मेथड ग्राइवेट्रीथ मेथड में आपका वेट ऑफ पी पी टी बेस्ड है क्वेश्चन नंबर सेकेंड इरर इज द डैश बिटवीन द ट्रू रिजल्ट एंड मेजरमेंट रिजल्ट तो आपका जो इडर है वो ट्रू रिजल्ट और मेजरमेंट रिजल्ट के बीच का डिफरेंस बताता है तो यहाँ पे इसका आंसर होगा डिफरेंस तो इरर इज़ द डिफरेंस बिटवीन द ट्रू रिजल्ट एंड मेजरमेंट रिजल्ट क्वेश्चन नंबर थ्री पायरोल इज़ ए डैश मेंबर रिंग जो पायरोल है वो आपकी कितने मेंबर रिंग है तो इसका राइट right आंसर है फाइव मेंबर रिंग तो पायरोल है आपकी वो फाइव मेंबर रिंग है क्वेश्चन नंबर फोर पोटेशियम स्पेरिंग डायबिटीज इनहिबिट्स द डैश जो पोटेशियम स्पेरिंग डायोटिक्स है वो आपकी सोडियम रीऑब्जॉर्बन को इनहिबिट करता है तो इसका राइट right आंसर है सोडियम रीऑबॉर्पन क्वेश्चन नंबर फाइव द पीएच रेंज ऑफ मिथिल ऑरेंज एज एन इंडिकेटर इज मीन्स मिथिल ऑरेंज का जो पीएच रेंज है वो कितना होना चाहिए तो इसका राइट right आंसर है थ्री टू फाइव थ्री टू फाइव है तो मीन्स ये इंडिकेट करता है मिथिल ऑरेंज का सी राइट वन वर्ड वन सेंटेंस यहाँ पे आपको वन वर्ड या वन सेंटेंस में आपको आंसर देने हैं क्वेश्चन नंबर वन हाउ मैनी टाइप्स ऑफ ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस मीन्स ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस आपके कितने टाइप्स की है तो ये आपको बताना है क्वेश्चन नंबर सेकेंड राइट द जेनरिक नेम एंड केमिकल फार्मूला ऑफ लिडोकेन लिडोकेन का जेनरिक नेम और केमिकल फार्मूला आपको बताना है क्वेश्चन नंबर थ्री गिव टू एक्जाम्पल ऑफ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड के कोई दो एग्जाम्पल आपको बताने क्वेश्चन नंबर फोर वाट इज द अनोदर नेम फॉर कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम कार्बोनेट का दूसरा नाम क्या है वो भी आपको बताना है क्वेश्चन नंबर फाइव राइट द केमिकल फार्मूला ऑफ बोरिक एसिड बोरिक एसिड का आपको केमिकल फार्मूला आपको बताना है ये पाँचों के आंसर आपको मालूम है तो आप इसे कमेंट करके जरूर बताइएगा थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो